हेलो कॉमर्शियंस, आज की वीडियो में बात करेंगे सीईटी 2024 की तीन सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एंड यहां पर उससे पहले मुझे एक चीज बता दो कि क्या आपने CSAS पोर्टल और BHU का जो एडमिशन पोर्टल है यानी कि DU और BHU के एडमिशन फॉर्म भर दिए हैं ना, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही दो पोर्टल हमारे हो जाते हैं। भैया इस पर जरूर रजिस्टर करना है, कमेंट सेक्शन पे बता दो। अब अगर हम लोग बात करते हैं NTA की, तो उसने हमको CUET की रिजल्ट की बहुत ताज़ा अपडेट्स दे दी हैं और ये भी बता दिया है कि रिजल्ट से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होगी जो कि सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। सेकेंड चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी आंसर सही है लेकिन NTA ने उसको गलत कर दिया, NTA के आंसर की गलत है, तो आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर आपके हाथ में होगा, तो क्या उसी स्कोर को देख करके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा या फिर कोई और सा क्राइटेरिया भी यहाँ पे यूज होता है आपको एडमिशन देने के लिए, सीट एलोकेट करने के लिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस हो जाएंगी। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार NTA बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको लगता है कि इस बार का जो मैनेजमेंट था एग्जाम्स का वो बहुत अच्छा हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर था ना उसमें 28 डेज लग गए थे पूरे के पूरे CUET को कंडक्ट करने में, इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में हो गया है। बट हम सब लोग जानते हैं कि 15th मई को एक एग्जाम हुआ था जिसमें इंग्लिश, जर्नल टेस्ट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, चार सब्जेक्ट का एग्जाम था जिसमें इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ कि इसको फिर से कंडक्ट करवाना पड़ा 29th मई को। तो अभी जो 15th मई वाले बच्चे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि भैया इनका जो पेपर था ना वो बहुत ईजी भी आया था और इनको एक सेकेंड चांस भी मिल गया और इनको एक तरीके से एक पहले से मिल गया था कि भाई 15th मई को ऐसा पेपर आया तो हमारा पेपर भी लगभग ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर जो NTA है उसने बोल दिया है कि अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो स्कीम है उसको अपनाई जाएगी। इस बार के एग्जाम्स एक दिन में इसलिए हुए थे ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फिर से होगा। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है सारे 15th मई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपके नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में जितने भी बच्चे होते हैं सबके स्कोर को यहाँ पर देखा जाता है और उसके बेसिस पर आपके स्कोर को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है या तो कम कर दिया जाता है। तो 15th मई वाले बच्चों को इतना तो है कि आपका स्कोर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। अब जो सेकेंड गुड न्यूज आती है, दैट इज कि NTA इस बार ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता है। इस बार वो आपको पूरा का पूरा रिजल्ट बताएगा कि भैया यहाँ पर आपके कितने MCQ सही थे, कितने गलत थे, कितने आपने लीव करे थे, सब कुछ बताने वाला है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक स्कैंड कॉपी ऑफ OMR शीट मिलेगी, यानी कि जो भी आपने OMR शीट जैसे भी करी थी आपके सामने आएंगी। तो इस बार पापा को पता चल जाएगा कि कैसे आपने अटेम्प्ट किया था, तो घर पर झूठ बोला है तो पकड़े जाओ। सेकेंड इज आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर से आप तुरंत टैली कर सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि देखो भैया यहाँ पर ये तो इनने गलत दिया ऐसा दिया, पूरा क्वेश्चन पेपर जिस सेट का आपने क्वेश्चन पेपर दिया, जो आपकी स्कैन कॉपी ऑफ OMR शीट है प्लस NTA के जो सही आंसर्स हैं, NTA अपना खुद का प्रोविजनल आंसर की निकालेगी, तीनों को आप देख सकते हो, तीनों को हर बच्चा देखेगा अपने पोर्टल पे उसको देखेगा। एंड इस प्रोसेस से आपको कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट का, आपके स्कोर का अंदाजा हो जाए। अब अगर आपको लगता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है लेकिन जो NTA ने प्रोविजनल आंसर की दी है उसके आंसर्स गलत हैं, तो आप यहाँ पर उनके आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पर जो मेरी आंसर शीट है, जो OMR शीट है, इसका आंसर सही है, आपका गलत है, और इसको आप आराम से उन्हीं के पोर्टल पे इस बार चैलेंज करके अपना आंसर सही कर सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से NCERT में देख लेना है कि उसका आंसर वही होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर मैं बिजनेस स्टडीज जैसे जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि हमको लगता है कि भाई सिमिलर ऑप्शंस हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर NCERT में वो चीज़ लिखी है जो आप बोल रहे हो तो आप आराम से यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो और अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो थ्रू दिस पोर्टल। इसलिए मैंने बोला कि भाई इस बार ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है। अब आ जाता है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कि CUET के रिजल्ट्स कब आएंगे एंड उस रिजल्ट से आपको कैसे सीट एलोकेट करेगा DU या फिर BHU। तो यहाँ पर जो आपका CUET रिजल्ट है वो 38 जून तक यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, पर मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा आगे ही जाएगा क्योंकि इस बार OMR शीट जो हैं वो आ गई हैं, तो OMR शीट को चेक करना, स्कोर कार्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर वाला, उसमें डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पर सबको चेक हो जाएगा, तो 30 जून के बाद तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है जब वो DU में आप अप्लाई करते हो CSAS पोर्टल के थ्रू, तो कैसे आपका एडमिशन होता है,
तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सीयूटी के स्कोर को पूरा नहीं देखा जाता है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस को देखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका इंग्लिश और तीन डोमेन्स देखे जाएंगे, या फिर अगर आपने इंग्लिश मैथ्स वाला चीज चूज करा है तो वो देखा जाएगा। अगर बीएमएस की बात करता हूँ तो आपने अगर इंग्लिश मैथ्स और जर्नल टेस्ट इनका एग्जाम दिया होगा तो इसको देखा जाएगा। तो आपके कोर्स के हिसाब से आपका जो स्कोर है वो निकाला जाता है एंड उसको वहां पे देखा जाता है, ओवरऑल स्कोर यहाँ पे नहीं लगता। सेकेंड इज आपकी कैटेगरी देखी जाती है, तो उस स्कोर के हिसाब से आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इसके हिसाब से आपको जो है कॉलेज को यहाँ पर सीट मिलती है। लेकिन तीसरा एक और चीज़ देखा जाता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो अगर सीट्स अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर सीट्स पहले ही दूसरे बच्चों ने ले ली है आपसे ज़्यादा स्कोर लाके तो फिर आपको सीट नहीं मिलती है। लेकिन इसके अलावा कुछ हिडन चीज़ें भी होती है जिसके थ्रू आपको सीट एलोकेट की जाती है किसी भी कॉलेज में, आपके क्लास 12 के मार्क्स। अगर आपके क्लास 12 के मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर राम के और श्याम के दोनों के अगर सीयूटी स्कोर सेम हो जाते हैं, इसका भी 750 है, इसका भी 750 है, इसका भी 600 है, इसका भी 600 है, तो अगर सेम हो जाते हैं यहाँ पर सीयूटी के स्कोर्स, तो उसके जो क्लास 12 के मार्क्स है जिसके ज़्यादा बेटर होंगे उसको दिया जाएगा। क्लास 12 में भी पहले बेस्ट ऑफ 5 लेंगे, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3 ऐसे करके लेते हैं। इसके अलावा फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा, मतलब अगर बेस्ट ऑफ 4 लिया उसमें भी टाई हो गया तो फिर बेस्ट ऑफ 3 देख रहे हैं, उसमें भी टाई हो गया तो फिर एज देख रहे हैं। तो यहाँ पर एज देखी जाती है, जिसकी ज़्यादा होगी उसको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो कोर्स है अगर उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है तो ऑफकोर्स ही बात है आपके जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी पूरी बात मैं अपनी अगली वीडियोस में करता रहूँगा। तो भैया मेक श्योर यू वॉच दिस सीयूटी की पूरी काउंसलिंग सीरीज को, क्योंकि हमारे चैनल पे आती रही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।